बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के सक्सेस के बाद अब बिग बॉस का ओटीटी सीजन 2 आ रहा है, लेकिन इसमें होने वाला है एक बहुत बड़ा चेंज। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। सीजन 1 में करण जौहर एज अ होस्ट हमें नजर आए, दिव्या अग्रवाल ने सीजन को जीता, तो इस शो के जो रनर अप रहे हैं यानी कि निशांत भट्ट, शमिता और प्रतीक, ये तीनों ही जो है बिग बॉस ओटीटी के बाद सीजन 15 ऑफ बिग बॉस में नजर आए। एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हमने राकेश और नेहा को भी देखा था, लेकिन ये तीनों जो थे काफी ज्यादा शाइन कर गए। अब ओटीटी सीजन 2 को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है, चलिए आपको बताते हैं। वेल, कहा जा रहा है कि पिछले टाइम का जो थीम था इतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, पेयर्स में लोग एलिमिनेट हो रहे थे, जोड़ियों में एलिमिनेट हो रहे थे, तो इस बार थीम कुछ अलग होने वाला है। सेम थीम तो वैसे भी रिपीट नहीं होता। सो फिलहाल कौन कौन से कंटेस्टेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से सेलिब्रिटीज परफेक्ट फिट है और उन्हें अप्रोच करने की लिस्ट फिलहाल बनती जा रही है। सोर्सेज से खबरें आ रही है, अब कुछ सेलिब्रिटीज़ को ऑलरेडी अप्रोच करना जो है शुरू हो चुका है। इसी बीच एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, यानी कि होस्ट का चेंज आने वाला है। करण जौहर इस बार सीजन 2 ऑफ बिग बॉस ओटीटी नहीं करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है उस वक्त जो है उनका कॉफ़ी विद करण शुरू रहेगा, जिसके चलते वो उस शो में बिजी रहेंगे, इसीलिए अपना वक्त नहीं दे पाएंगे ओटीटी सीजन 2 को बिग बॉस के। इसके चलते अब कंटेस्टेंट्स के साथ साथ नए होस्ट की तलाश भी शुरू कर दी है मेकर्स ने, और फिलहाल ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कोई बड़ा चेहरा जो डेफिनेटली इन जो कंटेस्टेंट्स को है ना अपनी उंगलियों पे नचा सकता है और उनके ऊपर इस तरीके से बात कर सकता है कि ये लोग बड़े यू नो रिस्पेक्ट से सुने समझे और उनकी बात माने भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक अथॉरिटी फिगर होना की बहुत ज़रूरत है। अगर बिग बॉस जैसा आप शो कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि कंटेस्टेंट्स आपकी बात सुने। तो आखिर अगर करण जौहर नहीं तो कौन होस्ट करेगा बिग बॉस का ओटीटी सीजन 2? फिलहाल सर्च शुरू है, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको बता देंगे, लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे किसे आप देखना चाहते हो एज होस्ट फॉर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। बता दीजिए कमेंट्स में। आई विल सी यू सून।